बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, लेक्चर नंबर 6 में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर पहले से तैयार करके रखा हुआ था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है, इसके अंदर जो चीज़ हम कवर करेंगे वो है हमारे पास लिस्ट। डिफरेंट टाइप की जो लिस्ट है ना, हम उनको इसके अंदर कवर करेंगे। टोटल हमारे पास जो लिस्ट्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। वो पहले नंबर में हमारे पास जो लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर लिस्ट कह लें आप। पहली जो होती है हमारे पास कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट है। दूसरी हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट। और अगर आप तीसरी लिस्ट की बात करते हैं तो तीसरी हमारे पास डेफिनेशन है, या डेफिनेशन है, स्पेलिंग्स मुझे सही याद नहीं है। तीसरी ये लिस्ट है, ठीक हो गया। तीन तरह की हमारे पास लिस्टें होती हैं। हर लिस्ट को हम कुछ टैग्स के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो टैग हमारे पास आएगा वो ये, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होते हैं, इसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ टैग्स आर यूज्ड इन ऑर्डर लिस्ट, ठीक हो गया। ये टू टाइप्स के लिस्ट टैग्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो ये हमारे पास है पहले वाला। पहला हमारे पास कौन सा है? ओएल ऑर्डर लिस्ट। ये हमने स्टार्ट किया और इस तरह इसको हम बंद कर देंगे, ओएल, ठीक हो गया। और इसके अंदर कोई भी चीज़ हमने लिखनी होती है, दूसरा टैग इसमें एल आई का यूज़ होता है। एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट, ठीक हो गया। चलें, इसी तरह हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट होती है, इसके अंदर भी हमारे पास दो तरह के टैग्स यूज़ होते हैं। वो टैग्स भी बिल्कुल हमारी जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसी की तरह के होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये जो ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर है ना, ये ओ की जगह यू का हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट। बाकी सारा काम सेम होता है। इन दोनों लिस्ट के ऊपर काम करने के बाद फिर हम डेफिनेशन लिस्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो अब ये जितना भी पार्ट मैंने लिखा है, ये जितना भी पार्ट है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसमें आपको एक नए कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा कि कमेंट क्या होता है। कमेंट असल में ये होता है कि आपने एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर आपने कोड लिखा। जितना भी आप कोड लिखते हैं ना, जब आप फाइल को ब्राउज़र के अंदर जाकर रन करते हैं तो जो कुछ लिखा होता है आपके सामने शो हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमने लिखी हैं वो हमें हमारी फ़ाइल के अंदर मौजूद रहें, कोड के अंदर मौजूद रहें। लेकिन जब हम अपनी फ़ाइल को रन करते हैं तब उसको शो नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब हुआ कि हम उसके लिए हम एक टेक्निक असल में यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं कि हमने ये जो सारा कुछ लिखा उसे कमेंट कर दिया। तो HTML के अंदर कमेंट कैसे करते हैं? जिस चीज़ को आपने कमेंट करना होता है उसको एक टैग के अंदर लिखते हैं। वो टैग क्या है? लेस देन साइन है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, दो दफ़ा हाइफन, स्पेस, दो दफ़ा हाइफन, हाइफन और ग्रेटर देन साइन। इसके दरमियान में हम क्या करते हैं, अपना वो वाला सारा कोड लिख देते हैं जिसको हम कमेंट करना चाह रहे होते हैं। तो हमने ये क्या किया, हम यहाँ पे अपने कोड को कमेंट कर देते हैं। तो ये जितना भी लिखा हुआ है हमारे पास लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 3 तक, ये सारा हमारे पास कमेंट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, कि जो हमारी फ़ाइल है ना, इसको फ़िलहाल सेव कर लेते हैं। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, चले, फाइल सेव किया। जैसे कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ था वेस्टेक का, उसके अंदर आज मैं लिस्ट के नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और HTML उसकी एक्सटेंशन है। चलें, आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा हमने कमेंट किया है कोड का वो ग्रीन हो गया। तो ये कभी भी हम जब हम फाइल को ब्राउज़र के अंदर जा कर रन करेंगे ये हमें शो नहीं होगा। चल,
अब हम अपनी जो लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो होती है, ये कोई भी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ख़ास ऑर्डर में लिखना चाहते हैं उनके लिए यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसा कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और हेडिंग को बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपनी लिस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें दो टैग यूज़ होते हैं, एक ol, दूसरा li। li हमेशा ol के अंदर यूज़ होगी, तो मैं पहले ol को लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये अलाइनमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इससे कोड आपका खूबसूरत रहता है। चलिए जी, तो ol के अंदर हमारे पास li होगी। अब जितनी भी li है ना, जो भी हमने डिटेल लिखनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, ये बुलेट्स के फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इन हिस्ट्री है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, इन द ईयर ऑफ 1950, सॉरी 1950, यहाँ इस वक्त समथिंग हैपन्ड, डोंट नो व्हाट हैपन्ड, बट हम कह सकते हैं कुछ हुआ था। इसी तरह जितनी भी लाइंस या जितने भी हमने पॉइंट्स लिखने हैं लिस्ट के अंदर, वो हम लिख सकते हैं। 1951, देखें हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। पहले 50 था, फिर 60, फिर 70। ठीक हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट की जो कहानी है वो बस यहाँ तक की थी। हम क्या करते हैं, इतनी जो जितना भी हमने काम किया है उसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर, जो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। ये रहा फोल्डर खोला, इसके अंदर हमें लिस्ट के नाम से ये वाली जो फाइल है, ये हमने अभी क्रिएट की, इसको मैं ओपन करता हूँ। चल, ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नीचे के लिखा हुआ है इन द ईयर ऑफ 1950, 1960 एंड 1970। और एक चीज़ आप गौर करें, ये जो वन यहाँ पे इन द ईयर ऑफ 50 हमारे पास लिखा हुआ है ना, इससे पहले वन लिखा हुआ है, फिर सेकंड लाइन से पहले टू लिखा हुआ है, फिर इन द ईयर ऑफ 70 वाली जो लाइन है, इससे पहले थ्री लिखा हुआ है। एक ऑर्डर हमारे ब्राउज़र ने खुद ब खुद एक ऑर्डर दे दिया है। तो ये 1, 2, 3, ये इनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम जब CSS करेंगे तो उसमें सीखा जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कोर्स है ये प्योर HTML का है, इसलिए इसमें सिर्फ HTML के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो जो दूसरी दो लिस्ट है हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लिहाजा अगले लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। बहुत शुक्रिया।